है खेसारी लाल यादव हमारे जिला के शेर। वाह, छोटू शिकारी ना, छोटू शिकारी आए हैं, स्वागत है भाई का। ईश्वर करे कि जिस तरह आप सबका बेटा, आप सबका भाई खेसारी लाल यादव अपने जिला, अपने बिहार का, अपने भाषा का नाम रोशन किया, ऐसे ही इस भाई के प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरिया जहान में। आज की इस वीडियो में आप लोग को बता दें, मेरे भाई के अभी हाल फिलहाल में छपरा में स्टेज शो करने गए थे हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। वहां पर एक सिंगर आया रहता है जिसका नाम है छोटू शिकारी, इसका नाम आप लोग सुने भी होंगे, अक्सर ये रंगदारी सॉन्ग गाते रहते हैं। और यहां तक कि आप लोगों को बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह के लिए ये बंदा गाना भी लिख चुका है। तो जो पावर स्टार पवन सिंह का गाना लिखा है तो वो तो थोड़ा सा लाइट में रहेगा ही, लेकिन एक बात और है, मैं देखता हूं कि जब पवन भैया के टीम में लोग रहते हैं तो ऐसा रिएक्ट करते हैं खेसारी लाल यादव को लेकर जैसे कि खेसारी लाल यादव उनके दुश्मन हो, खेसारी लाल यादव उनके हिस्सा का जमीन ले लिए हो, खेसारी लाल यादव मतलब उनको क्या कर दिए हो, ऐसा लोग रिएक्ट करते हैं। लेकिन वही लोग जब खेसारी लाल यादव के सामने आते हैं तो खेसारी लाल यादव इतना उनको सम्मान दे देते हैं जितना उनके औकात नहीं रहती है। सही कहना हूं मेरे भाई, ऐसा करते हैं खेसारी भैया, क्योंकि मैं बता दूं कि कुछ पवन सिंह के यूट्यूबर थे जिनको मतलब क्या बताया जाए, कुछ नहीं बता सकते हैं उन लोगों के बारे में, उन लोगों की बताने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन खेसारी भैया भाई भाई कह के उनको इंटरव्यू दे दिए, मतलब ऐसा सम्मान देते हैं कि जितना उनके औकात ही नहीं रहती है। लेकिन एक बात और है कि हमारे ट्रेंडिंग स्टार जो है ना वो डाउन टू अर्थ है, किसी कभी भी अपना स्टारडम पे गुमान नहीं करते हैं, कभी भी ये घमंड नहीं दिखाते हैं कि जो खेसरिया कर सकता है वो कोई कर ही नहीं सकता है, मतलब ऐसा वाला फीलिंग इनके अंदर कभी नहीं आता है। वैसे ही देखा गया स्टेज शो में कि छोटू शिकारी को खेसारी लाल यादव ने काफी तारीफ भी किया, खेसारी लाल यादव ने गले भी लगाया और छोटू शिकारी भाई भी रिस्पेक्ट किया, खेसारी भैया का पांव भी छुआ, जो कि आप लोग यहां पर वीडियो देख ही सकते हैं। तो अच्छा लगता है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सब कोई मिलजुल के रहे, लेकिन यही लोग जब खेसारी भैया के अगेंस्ट में बोलते हैं तब मुझे बुरा लगता है कि क्या भैया कैसे लोगों को रिस्पेक्ट दे देते हैं, मतलब बुरा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, हमारा स्टार सिर्फ रील वाला सुपर स्टार नहीं बल्कि रियल वाला भी सुपर स्टार है, जो कि मैं तो मानता हूं, खैर आप लोग मानते हैं कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।